नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी, जहां आज पूरे प्रदेश में हरियाणा दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं फरीदाबाद में भी सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में हरियाणा दिवस मनाया गया, जिसमें हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि जब से हरियाणा बना है उसने कृषि, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। स्वागत जिंदगी के लिए जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। पहुंचे हैं आप हिल स्टेडियम, क्या कार्यक्रम रहा आज? हरियाणा दिवस पर सेक्टर 12 में जो खेल स्टेडियम में स्पोर्ट की तरफ से हरियाणा दिवस मनाया गया था और पूरे प्रदेश में खेल के माध्यम से हरियाणा दिवस की आज शुरुआत हुई और मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों को बहुत बधाई बहुत बात कि हरियाणा के लोगों ने कभी कल्पना नहीं थी जिस समय हरियाणा बना था और आज हरियाणा प्रदेश आज सबसे आगे है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो या उद्योग क्षेत्र में हो। हरियाणा के लोगों ने मेहनत के साथ अपने प्रदेश को आगे बढ़ाया और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक शिक्षा के क्षेत्र में एक लोगों की जो कभी कल्पना भी नहीं थी कि बिना ना खर्ची ना पर्ची और जो लोग अपने एजुकेशन में टॉप करते हैं उनको प्रदेश में एक नौकरी मिली, इसके साथ हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं। सर, आगे जो खिलाड़ी हरियाणा के खिलाड़ी खेलते हैं, हर दसवां आदमी हरियाणा की सीमाओं पर है। हरियाणा एक मजबूत प्रदेश है और हरियाणा एक अग्रिम पंक्ति का राज्य है और खेल के लिए जो 2% जो भी रखा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या नौकरी के क्षेत्र में हो या दूसरे क्षेत्र में हो, उन सभी खिलाड़ियों को जो नौकरी है सरकार की तरफ से सुविधा दी जाती है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व जो भी खिलाड़ियों के लिए जो भी होगा वो सबसे आगे।